स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने तो इस संदर्भ में बात कही थी, जो लंबी लंबी फेंकता है, यानी कि जो अपनी बातें पूरी नहीं करता है और तमाम तरह के सपने दिखाता है। चीलम जीवी को लेकर आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव को संत समाज से, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए? चिरंजीवी शब्द के साथ एक शब्द और है, आप उस शब्द को सोचें। इसने कहा है कि एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग, ये एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग कौन है? भगवाधारी, सिर्फ चिरंजीवी शब्द की बात नहीं है। और दूसरे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये सबको भाजपा फला का समर्थक बता रहे हैं। भारत साधु समाज गुलजारी राम नंदा जैसे व्यक्ति ने कांग्रेस के नेता ने बना के कांग्रेस समर्थक साधुओं की फौज 1953 में खड़ी की थी, और ये व्यक्ति बता रहा है जो कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी कराने वाली सोनिया गांधी के बारे में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, कि कैसे कैसे षड्यंत्र भगवा आतंकवाद की परिभाषा बनाने वाले लोग और इनके दलों के लोग। मुझे राजनीति में नहीं जाना और न राजनीतिक विषय मैं चित्रा जी लेना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना है कि सुधांशु जी आरोप लगाए, सुधांशु त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, गाली गलौज करो, खूब शौक से करो, तुम्हारा स्तर यही है, घटिया स्तर, बार बाला को नेता मानने वालों, तुम अपने जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। लेकिन भारत के भगवान, भारत के भगवान समाज को प्लीज एक ही करके, प्लीज एक ही करके अपनी बात रखेंगे सुरेंद्र जी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अवकाश में रहो, तुम लोग अवकाश में रहो, मैं बता रहा हूँ तो क्रिश्चियन तुम लोग के बारे में देश को पता है। एक एक सभ्य महिला को बार बार कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और चित्रा जी जैसे सभ्य महिला, अरे तुम्हारी सभ्य महिला कितनी सभ्य है, ये बेचारा है, कितनी सभ्य है, प्रज्ञा ठाकुर से लेके असीमा नंद तक जेल में रखने वाली औकात में हो, औकात में मिट गई कांग्रेस, राम के अस्तित्व को मिटाते मिटाते साधु के भेष में राक्षस जाओगे। ऐसे ही पूरी नारी जाति का राजीव गांधी भी इसी चैनल पर सिखा रहा था, राजीव त्यागी हमारे ही साथ सिखा रहा था। आप मूल रूप से साधुओं के देश हो गया, बेचारे को साधुओं के साथ प्लीज एक दूसरे पर जरूर टिप्पणी नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्लीज दोनों लोगों से ही गुजारिश है, प्लीज दोनों लोगों से ही गुजारिश है, एक दूसरे पर किसी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें प्लीज। हम मुद्दे पर बैठे हुए हैं ना, एक रंग की बात कही गई है अखिलेश यादव की ओर से, उस पर डिबेट हो रही है इस वक्त, चिलमजीवी शब्द पर डिबेट हो रही है, अब्बा जान पर डिबेट हो रही है, प्लीज किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से आप लोग बचे, पूरा देश इस वक्त देख रहा है, एक गरिमा भी मेंटेन करके रखे। अखिलेश यादव की ओर से आखिर वो कौन सा बयान दिया गया जिसको लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, संत समाज अपनी नाराजगी जता रहा है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं, ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे?